हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पटवाल इन्वेस्टमेंट में। मैं हूं जगदीश पटवाल और आज हम बात करते हैं जीरोधा के 60 डेज चैलेंज के इनिशिएटिव के बारे में। हर ब्रोकरेज फर्म के पास अपना अपना अलग चैलेंज होता है। किसी फर्म के पास 30 डेज चैलेंज है तो किसी के पास 60 डेज चैलेंज है। तो जीरोधा के पास 60 डेज का चैलेंज है, तो हम जीरोधा की वेबसाइट पर जाकर ही हम देखते हैं कि 60 डेज चैलेंज के टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या है। तो गाइज, ये जीरोधा का 60 डेज चैलेंज का इनिशिएटिव है। इसमें है कि द 60 डे चैलेंज इज एन इनिशिएटिव बाय जीरोधा टू एनकरेज ट्रेडर्स टू बी मोर फोकस्ड ऑन देयर ट्रेडिंग एंड ब्रिंग बैक फन इनटू देयर ट्रेडिंग। द चैलेंज इज टू ट्रेड प्रॉफिटेबल ओवर 60 डेज। वंस यू स्टार्ट ओवर द 60 डेज, इफ यू आर नेट प्रॉफिटेबल, यू आर डिक्लेयर एज अ विनर एंड सर्टिफाइड एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। यू विल बी एबल टू डाउनलोड द विनर सर्टिफिकेट बाई सेलेक्टिंग द चैलेंज ऑन कंसोल एंड देन क्लिकिंग ऑन डाउनलोड सर्टिफिकेट, क्लिकिंग ऑन डाउनलोड सर्टिफिकेट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एज शोन बिलो। जैसे कि अगर हम 60 डेज चैलेंज को स्टार्ट करते हो, अगर हम उसको वॉन करते हैं तो हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करके दिखाऊंगा कि 60 डेज चैलेंज को किस तरह स्टार्ट करना है और अगर आप उसको वॉन करते हैं तो आप कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके एंड में मेन है कि बाई नेट प्रॉफिटेबल वी मीन प्रॉफिट्स आफ्टर पेइंग ऑल ब्रोकरेज टैक्सेस एंड अदर चार्जेस ड्यूरिंग द चैलेंज पीरियड। इवन जीरोधा कहता है कि अगर उनके ब्रोकरेज के टैक्सेस पे करने के बाद अगर आप एक रुपया भी विन में होते हो तो भी आप इसको जीत सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल रहना बहुत मुश्किल होता है। तो वो सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से दिखेगा, विनर सर्टिफिकेट। इसमें होगा दिस इज टू एक्नोलेज दैट यू आर पार्ट ऑफ अ सेलेक्ट कम्युनिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर इन इंडिया बाई बींग नेट प्रॉफिटेबल ओवर द लास्ट 60 डेज। इसमें अगर जितनी बार आप उसको विन करते हैं उसका आएगा कि एक बार ही विन किया है, दो बार, तीन बार, यहाँ डेट होगी। और यहाँ पे नितिन कमार सर का CEO है जो कि जीरोधा के, उनके सिग्नेचर होंगे। तो आइए हम अपने डीमैट अकाउंट पर लॉगिन करके देखते हैं कि इसको अब हम किस तरह स्टार्ट करेंगे। ये मेरा जीरोधा का डीमैट अकाउंट है, तो यहाँ पर हम पहले लॉगिन करेंगे। तो गाइज़ ये मेरा डीमैट अकाउंट है, तो हम यहाँ पे मेरी फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कंसोल में जाएंगे। कंसोल ओपन होने के बाद हम रिपोर्ट्स में जाएंगे। रिपोर्ट्स के बाद 60 डेज चैलेंज, 60 डेज चैलेंज को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। और आप जिस किसी भी सेगमेंट में करना चाहते हैं, जैसे कि फ्यूचर ऑप्शन में, करेंसी में, कमोडिटी, तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मैं फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, तो हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके यहाँ स्टार्ट करेंगे। अभी मेरा स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक और चैलेंज चल रहा है जिसमें मेरा प्रॉफिट लॉस होने के बाद 60 डेज के बाद मैं इसमें विन या लूज होऊंगा वो आपको मैं शो करूंगा, ठीक है। तो जो मेरा पिछला चैलेंज था वो मैंने वॉन किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे वॉन लिखा हुआ है। ये स्टार्ट हुआ था मेरा 1/12/2021 को और इसका एंड हुआ था 23/2/22 को। ये 60 डेज का चैलेंज होता है जिसमें आपको 60 डेज के बाद जो 61 डेज होगा ना उसमें आपको नेट में प्रॉफिटेबल रहना है, चाहे जितनी मर्जी आपने ब्रोकरेज दी हो, कुछ भी हो, तो आपको प्रॉफिट में रहना है, ठीक है गाइज। ये तो हो गया हमारा स्टार्ट करने का। अगर हमने इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे 3 डॉट्स पे इस तरह क्लिक करके डाउनलोड सर्टिफिकेट, फिर यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद इसको हम ओपन करते हैं। तो गाइज ये हमारा सर्टिफिकेट हो जाएगा, विनर सर्टिफिकेट जगदीश पटवाल। दिस इज टू एक्नोलेज दैट यू आर पार्ट ऑफ अ सेलेक्ट कम्युनिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर इन इंडिया बाई बींग नेट प्रॉफिटेबल ओवर द लास्ट 60 डेज ट्रेनिंग। मीन्स मैंने लास्ट 16 डेज में, ये रिसेंटली मैंने अभी विन किया है, 23/2/22 को मैंने डाउनलोड किया था, तो लास्ट 60 डेज में मैं नेट प्रॉफिटेबल रहा हूँ, इसमें उनके सिग्नेचर। तो इस प्रकार का आपका सर्टिफिकेट होगा। तो गाइज ये सिंपल और सोभर तरीका है आपका विन करने का। ये क्या होता है कि 60 डेज चैलेंज का मेन बेनिफिट ये है कि इससे आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को जज कर सकते हैं कि आपकी साइकोलॉजी कंसिस्टेंटली, आप कितने प्रॉफिट में रह रहे हैं, लॉस में रह रहे हैं। तो गाइज़ ये सिर्फ इतना है, और अगर आपकी कोई क्वेरी हुई, कुछ भी हुआ, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।